में अपराधी और माफियाओं के खिलाफ जब हम कार्रवाई करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड में नहीं होगी तो इस जितने माफिया और अपराधी हैं सब उत्तराखंड में शरण लेकर के यहां तबाही मचाएंगे। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में शनिवार रात माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के बाद यूपी से सटी उत्तराखंड की सीमाओं पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। हरिद्वार में यूपी बॉर्डर से लगे इलाकों में गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है और उत्तर प्रदेश से संबंध रखने वाले आपराधिक छवि के लोगों पर भी नजर रखी जा रही है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कल शूटआउट की घटना हुई थी, उसको देखते हुए उत्तराखंड में भी हरिद्वार में सतर्कता बरती जा रही है, क्योंकि हमारा उत्तराखंड की जो हरिद्वार के जनपद जो है उत्तर प्रदेश की सीमाओं से लगते हैं, इसको देखते हुए सतर्कता के आधार पर जो है चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। और चूंकि चार धाम यात्रा भी शुरू होने वाली है, अन्य जो है मेले भी हमारे यहाँ चल रहे हैं, तो इसको देखते हुए अलर्ट मोड पर पुलिस को रखा गया और सभी को निर्देश दिए गए हैं कि बॉर्डर के साथ साथ जो हमारे रिहायशी इलाके हैं वहाँ पर भी गश्त और पिकेट बढ़ाई जाए, इसको देखते हुए जो हमारी ड्यूटियाँ लगाई गई। उत्तराखंड में पुलिस को डर है कि अतीक की हत्या के बाद यूपी के अपराधी शरण लेने के लिए हरिद्वार समेत यूपी से लगे उत्तराखंड के जिलों का सहारा ले सकते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले 58 घंटों के भीतर अतीक, उसका बेटा असद और भाई अशरफ की मौत हो चुकी है। इसमें असद और शूटर मोहम्मद गुलाम को पुलिस ने झांसी में इनकाउंटर कर मार गिराया था और बचे अतीक और उसके भाई को कल रात गोलियों से भून दिया गया था। एक वक्त में प्रयागराज समेत आसपास के जिलों में दहशत कायम रखने वाला अतीक अहमद पर यूपी की योगी पुलिस पिछले कई समय से एक्शन ले रही है और मुख्यमंत्री योगी ने पिछले चुनाव में ही उत्तराखंड को अलर्ट करते हुए कहा था कि अगर उत्तराखंड में लचीली सरकार होगी तो माफियाओं पर हमारा एक्शन फीका पड़ जाएगा, क्योंकि यूपी में एक्शन होगा तो ये अपराधी भागकर उत्तराखंड में छिप जाएंगे। कि मैं आप सबसे अपील करने से लिया, क्योंकि उत्तराखंड एक तो मेरी जन्मभूमि है, दूसरा ये सीमांत प्रदेश भी है। राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से इस प्रदेश का अपना महत्व है और उत्तर प्रदेश से लगा हुआ प्रदेश होने के नाते हम सब की चिंता का विषय भी होता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अपराधी और माफियाओं के खिलाफ जब हम कार्रवाई करेंगे। अब यूपी में अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ योगी की पुलिस खुलेआम एक्शन ले रही है। ऐसे में उत्तराखंड पुलिस को डर है कि अपराधी योगी एक्शन के डर से कहीं हरिद्वार, उधम सिंह नगर और देहरादून के इलाकों में छिप ना जाए, इसलिए जगह जगह गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है और आने जाने वाले लोगों की तलाशी ली जा रही है। उत्तराखंड तक के लिए हरिद्वार से मोदित अग्रवाल की रिपोर्ट।